ये कहानी एक छोटे से गांव की है जिसमें एक छोटी बच्ची चांदनी अपने माँ और पिताजी के साथ रहती थी, लेकिन एक दुर्घटना में उसके माँ पिताजी की मौत हो जाती है, जिसकी वजह से उसकी बुआ उसे अपने साथ रखती थी। चांदनी की बुआ अपनी बेटी सितारा की तरह उसका भी बड़े अच्छे से ख्याल रखती थी, जैसे चांदनी उसकी अपनी ही बेटी हो। लेकिन एक दिन की बात है, एक वकील उसके घर आता है और उसकी बुआ से कुछ कहता है, और फिर अचानक से उसकी बुआ का बर्ताव उसके लिए बदल जाता है। अरे ओ चांदनी, रसोई में कुछ बर्तन रखे हैं, जाकर उन्हें धो ले। बुआ मैं? और नहीं तो क्या मैं? चांदनी अपनी बुआ का बर्ताव देख हैरान हो जाती है। ये अचानक से बुआ को क्या हो गया? बुआ तो कभी मेरे साथ ऐसा नहीं करती। फिर चांदनी रसोई में जाकर बर्तन धोने लगती है और उसे अपने माँ पिताजी की याद आने लगती है। चांदनी, मैं किसी काम से बाहर जा रही हूँ, तू घर और सितारा दोनों का अच्छे से ध्यान रखना, और साथ ही घर में जो काम पड़ा है उसे भी कर लेना। ठीक है बुआ, मैं सितारा और घर का अच्छे से ध्यान रखूंगी और घर का काम भी कर लूंगी। ये कहकर बुआ चली जाती है और चांदनी सितारा के साथ घर पर अकेली रह जाती है। चांदनी देखती है कि सितारा खेलते खेलते सो गई है। सितारा तो सो गई, बुआ के आने से पहले थोड़ी देर मैं भी सो जाती हूँ। जब बुआ के आने का समय होगा तब मैं घर का काम कर लूंगी। फिर चांदनी भी सितारा के साथ पलंग पर सो जाती है और उसे पता ही नहीं चलता कि सोते हुए कब शाम हो गई। और जैसे ही चांदनी की बुआ घर आती है और देखती है कि घर का काम ऐसे ही पड़ा है, और जब वो चांदनी को सोता देखती है तो आग बबूला हो जाती है। चांदनी, चांदनी तू सो रही है? चांदनी जैसे ही अपनी बुआ की आवाज सुनती है तो जाग जाती है। वो बुआ सितारा के साथ खेलते खेलते नींद आ गई और पता ही नहीं चला कि कब आंख लग गई। नींद आ गई? तेरी आंख लग गई? तुझे तो मैं अब अच्छे से सुलाऊंगी। आज रात तो तू बिल्कुल भी नहीं सोएगी, और जितने भी घर में कपड़े पड़े हैं उन्हें धोएगी। पर बुआ, मैं कैसे रात में इतने सारे कपड़े धोऊंगी? मुझे तो कपड़े धोने भी नहीं आते। नहीं आते तो सब सीख जाएगी। चांदनी बेचारी रोती रह जाती है, पर उसकी बुआ को उसके ऊपर जरा भी दया नहीं आती। चांदनी बेचारी पूरी रात कपड़े धोती रहती है, और अगले दिन जैसे ही सुबह होती है तो चांदनी की बुआ देखती है कि चांदनी ने कपड़े धोने में सारा सर्फ खत्म कर दिया है। हे भगवान, ये क्या किया तूने चांदनी की बच्ची? मेरा पूरा महीने का सर्फ खत्म कर दिया। जब से ये लड़की मेरी जिंदगी में आई है मेरा तो जीना हराम हो गया है। इसे तो मैं ऐसा सबक सिखाऊंगी कि ये जिंदगी भर याद रखेगी। फिर चांदनी की बुआ चांदनी का हाथ पकड़ती है और उसे कुएं में रस्सी से लटका देती है। अब लटकी रहे इसी तरह, तभी तुझे अकल आएगी। चांदनी की बुआ चांदनी को एक रस्सी के सहारे कुएं में लटका देती है और खुद कमरे में जाकर चाय पीने लगती है। ये मरेगी तभी तो इसकी सारी की सारी जायदाद मेरी होगी। उधर चांदनी कुएं में लटकी बुरी तरह रो रही थी। बुआ बुआ, मुझे कुएं से बाहर निकालो, नहीं तो मैं कुएं में गिर जाऊंगी। मुझे बहुत डर लग रहा है बुआ। बुआ, आगे से मैं कभी आपको परेशान नहीं करूंगी। बुआ बुआ, चांदनी बुआ बुआ चिल्ला रही थी, तभी अचानक से उसकी रस्सी टूट जाती है और वो सीधा कुएं में जाकर गिरती है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है और वो एक चुड़ैल बन जाती है। चुड़ैल अपनी लाश कुएं में पड़ी देखती है तो रोने लगती है। मैं भी अपने माँ बाप की तरह मर गई, पर मैं तो चुड़ैल बन गई। बुआ की वजह से मैं चुड़ैल बन गई। मैं बुआ को नहीं छोड़ूंगी। जैसे बुआ ने मुझे तड़पाया है, अब ऐसे ही मैं उसे तड़पाऊंगी। उधर जब चांदनी की बुआ को उसके रोने की आवाज नहीं सुनाई देती, ये चांदनी रोते रोते चुप कैसे हो गई? जाकर देखती हूँ। चांदनी की बुआ कुएं के पास जाकर देखती है तो चांदनी को कुएं में मरा पड़ा देखती है। ये तो मर गई, चलो अच्छा है, कम से कम इस मनहूस से मेरा पीछा तो छूटा। अब इसकी सारी की सारी जायदाद मेरी होगी। अगर किसी ने इसके मरने का कारण पूछ लिया तो कह दूंगी कि कुएं में पैर फिसलने की वजह से गिर गई। तभी अचानक से चांदनी की बुआ जोर जोर से रोने लगती है। हाय रे मेरी बच्ची। अरे कोई है, मेरी बच्ची को कुएं से बाहर निकालो। हाय मेरी बच्ची, कोई तो बचाओ मेरी फूल सी बच्ची को। मेरी बच्ची को कुएं से कोई बाहर निकालो। देखो तो कैसे नाटक कर रही है रोने का। पहले तो खुद ने ही मुझे कुएं में लटकाकर मरने के लिए छोड़ दिया, अब झूठ मूठ के आंसू निकाल रही है। तभी चांदनी की बुआ के रोने की आवाज सुनकर गांव वाले आ जाते हैं। क्या हुआ चांदनी की बुआ, तुम इस तरह क्यों रो रही हो? वो मेरी बच्ची कुएं में गिर गई, कोई तो उसे बाहर निकालो। हाय रे मेरी बच्ची। देखो तो कैसे गांव वालों को रोकर दिखा रही है, एक नंबर की ड्रामेबाज। तभी तो गांव वाले कुएं में कूदकर चांदनी की लाश को
कुएं से बाहर निकाल कर ले आते हैं। ओहो, ये तो मर गई। लाश को देखकर चांदनी की बुआ रोने लगती है। चांदनी मेरी बच्ची, तू मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, कोई तो बोलो कि ये मरी नहीं जिंदा है। अब होनी को कौन टाल सकता है, लगता है भगवान को यही मंजूर हो। फिर सभी गांववासी एक एक करके अपने घर चले जाते हैं। चलो अच्छा है, किसी को मुझ पर शक नहीं हुआ, पर मेरा तो रो रो कर गला ही दुख गया। रात काफी हो चुकी थी तो चांदनी की बुआ सो जाती है और कुछ देर बाद उसे ऐसा लगता है जैसे कोई कुएं में लटका चिल्ला रहा हो। ये इतनी रात गए कुएं से किसके चिल्लाने की आवाज आ रही है। तभी अचानक से उसकी नींद खुलती है। ये तो मेरी सितारा के रोने की आवाज है, पर उसकी कुएं से आवाज क्यों आ रही है। तभी चांदनी की बुआ देखती है कि उसकी बेटी सितारा उसके पास नहीं है। बुआ दौड़कर जल्दी से कुएं के पास जाती है तो देखती है कि उसकी बेटी सितारा कुएं में वैसी ही लटकी है जैसे उसने चांदनी को लटका रखा था। सितारा तू यहाँ कैसे आई? रुक रुक रुक, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी, तू घबराना नहीं। माँ माँ मुझे कुएं से बाहर निकालो, नहीं तो मैं कुएं में गिर जाऊंगी, मुझे बहुत डर लग रहा है। माँ माँ मुझे बाहर निकालो माँ। तू चिंता मत कर, मैं अभी तुझे बाहर निकालती हूँ। जैसे ही सितारा की माँ उसे कुएं से बाहर निकालने के लिए आगे बढ़ती है तो वो पत्थर की तरह जम जाती है। ये मैं आगे क्यों नहीं जा पा रही। और जैसे ही वो अपनी बेटी को बचाने के लिए गांव के लोगों को बुलाती है तो उसका गला दर्द से दुखने लगता है। ये मेरे गले को क्या हुआ? ये इतना दर्द क्यों कर रहा है? ये भगवान, मैं अपनी बेटी को कैसे बचाऊं? इधर सितारा का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। माँ माँ मुझे बाहर निकालो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अपनी बेटी को इस तरह लटका देख उसे चांदनी की याद आ जाती है। भगवान मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मेरी वजह से एक मासूम की जान चली गई, मेरी बेटी को बचा लो, चाहे तो इसके बदले मेरी जान ले लो, कोई बचाओ, कोई तो बचाओ मेरी बच्ची को। अब पता लगा कैसा लगता है जब खुद की बेटी कुएं में लटकी हुई है। तभी अचानक से सितारा की रस्सी टूट जाती है और सितारा कुएं में गिर जाती है। तभी चुड़ैल कुएं में जाकर उसे बचा लेती है। सितारा की माँ को लगता है कि उसकी बच्ची कुएं में गिरने से मर गई। मेरी बच्ची, तू मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। तभी चुड़ैल कुएं से सितारा को बाहर लेकर आती है। सितारा की माँ उसे देखती है तो रोने लगती है। तू ठीक है? तभी सितारा की माँ की नजर चुड़ैल पर पड़ती है और वो चांदनी को पहचान जाती है। चांदनी, तूने मेरी बच्ची की जान बचाई। हाँ, मैंने तेरी बच्ची की जान बचाई, अब इसके बदले तुझे मरना होगा। फिर चुड़ैल अपनी बुआ को ठीक उसी तरह लटका देती है जैसे उसने उसे लटकाया था। मेरी माँ को मत मारो, मेरी माँ को छोड़ दो, तुम तो मेरे साथ खेलती थी, फिर तुम मेरी माँ को कैसे मार सकती हो? अगर मेरी माँ मर गई तो फिर मैं भी मर जाऊंगी। ये कहते हुए सितारा चुड़ैल के आगे हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है। तभी चांदनी की बुआ रोते हुए कहती है, मेरी गलती की यही सजा है, मैंने जायदाद के लालच में अंधी होकर अपने ही भाई की बेटी को मार डाला। चांदनी, तुम मुझे मार डालो, मुझे जीने का कोई हक नहीं है। तभी अचानक से चांदनी की बुआ की रस्सी टूट जाती है और उसकी बुआ कुएं में गिरने लगती है। सितारा जोर से चिल्लाती है, माँ। चुड़ैल जल्दी से कुएं में जाकर सितारा की माँ को बाहर निकाल लाती है। अपनी माँ को जिंदा पाकर सितारा उसके गले से लिपट जाती है। माँ तुम ठीक हो? बुआ चुड़ैल की तरफ देखती है, उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया, फिर भी तूने मुझे नहीं मारा, तू चाहती तो मुझे और मेरी बेटी को मार सकती थी, पर तूने ऐसे नहीं किया, तूने चुड़ैल होकर भी इंसानियत दिखाई, और मैंने तेरे साथ क्या किया। मैं चुड़ैल जरूर बन गई हूँ, पर मेरे सीने में दिल है और मैं एक माँ से उसकी बेटी को अलग नहीं कर सकती। चांदनी, हो सके तो मुझे माफ कर देना। चांदनी की बुआ को उसकी गलती का एहसास हो जाता है। बुआ, मैं भी अब अपने माँ पिताजी के पास जा रही हूँ। ये कहते हुए चुड़ैल एक तेज रोशनी के साथ आसमान में गायब हो जाती है।